जी, ये बीज है सोयाबीन को इनके रख दो एक तगारी में, एक तरफ, फिर अपन मक्का को भी उपचारित करांगा। 1 किलो मक्का को बीज, मक्का का बीज के उपचारित करने में। और ये एजेक्टोबैक्टर है, एजेक्टोबैक्टर को काम यह है कि जो यूरिया अपन खेत में डाला फसल के देवाने, तो कहीं है कि आधो तो लग जाए और आधो पौधा के नहीं लगे, आधो ऐसे ही जमीन में पड़े रहे। तो कहीं है कि अगर बीज इससे उपचारित कराऊंगा तो जो यूरिया है वो के यूरिया के घुलने को काम करे, और जब घुल जाएगा तो पौधा के आसानी से मिल जाएगा और पौधा की बढ़वार अच्छी होगी। इसके लिए जो बीज है मक्का को, इससे बीज उपचारित करना है। और अपना पास ये PSB है, PSB वो है सभी फसलों के लिए एक में लिखे है, यानी ये सुपर खाद के घोलने को काम करे, है नहीं। और अपना पास ये ट्राइकोडर्मा है, यो पैकेट है को, तो इको काम है फफूंद नाशक, है नहीं, जब सुकटो रोग लगे, है ना, फफूंद नाशक मतलब सुकटो रोग लगे तो इससे उपचारित करना चाहिए, तो जिससे वो बीमारी नहीं आए फसल में। गोबर थोड़ा सा लेना है खाली, ये 1 किलो, जैसे ये बीज है अपने पास, है नहीं, तो ये थोड़ा इसमें नमी आ जानी चाहिए ताकि अपन कल्चर जो डालेंगा नहीं तो आसानी से चिपकी जाए। इका लिए गोबर थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं लेना, ऐसा करने मिला। नमी बीज में अभी ये 5 ग्राम एजेक्टोबैक्टर कल्चर मिला हुआ, इस तरह के ऊपर पूरा पे मिले दो, और उसके बाद में ये ट्राइकोडर्मा, ठीक है, अभी 5 ग्राम, ये 5 ग्राम, ये भी 5 ग्राम मिला होना है, मतलब चीनी के पाँच, चीनी पैकेट में से अपन के 5 ग्राम, 1 किला पे, 1 किला बीज पे 5-5 ग्राम, ये एक भी ऐसे ऊपर पूरा बीज पे फैले देना। और 5 ग्राम PSB कल्चर ये मिलेगी, मिलाओ जी जी आप इनके ऐसा फिर मिला देना। ये अच्छा मिला दो इनके, है ना, ताकि ये गोबर भी अच्छा मिल जाए और अपन के बोने में कहीं 53 में अटके भी नहीं हो, है ना। ये मक्का को बीज है ना, अपन ने उपचारित अभी कर ले पूरा, पर ये सावधानी रखनी है कि ये छाँव में रखना है, अगर अपन ने मान लो कि धूप में रखी दो तो कहीं घाम के कारण बहुत सारा जीव मर जाएंगे। और दूसरा है कि अपन बोई रहा, अरे मान लो तगारी भरी वहाँ भी ले गया बीज, है ना, तो वहाँ भी थोड़ा ध्यान रखो, थैली पर धक्की ना रखना है कुछ, है ना, ये तो खराब हो सकता है। और जितना बीज लगे उतना ही अपन के उपचारित करना है, ऐसा नहीं कि अपन ने बहुत ज़्यादा बीज उपचारित कर लिया और फिर पानी के बीच में तो अपन की बॉडी रुकेगी, वो तो गलत हो जाए ना, तो अपन के सारा ध्यान रखना है कि बीज जितना लगे उतना ही करना है। और फिर ये है कि मिलावना भी अच्छे तरह से है, मान लो कि कोई 53 से बो रहा, कोई हाथ से भी मक्का लगाए, हाथ से लगाएगा जब तक ठीक इतनी बात नहीं है, लेकिन मान लो कि 53 से बोता होगा तो क्या कहीं कि वो अटकी जाएगा, तो फिर उनके बोने में दिक्कत आएगी, के लिए अच्छी तरह से मिले देना चाहिए।